देख रहे फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत किसकी बनेगी सरकार, इस पर ग्रामवासियों से और प्रधान और डॉक्टर से बात किया गया, जिसमें उनका कहना है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। यह चुनाव सन 2014 से अलग होगा तथा लाल कृष्ण आडवाणी इस चुनाव में रहे या न रहे इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चुनाव बीजेपी ही जीतेगी और पूर्ण बहुमत से ही जीतेगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़े लाल शुक्ला की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान को महिला प्रधान जी ये बताइए फिर कौन बनाएगा सरकार? अब इस बार सरकार नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए कांग्रेस के बिना नैया प्रियंका गांधी कहाँ तक पार लगाएंगे? जो कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही हैं, प्रियंका गांधी का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में कितना दम है। कांग्रेस में दम ही नहीं है? अरे उनके पास होती नहीं है, कौन देगा? अच्छा ये जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है बिना लाल कृष्ण आडवाणी जी के, ये कहाँ तक सुपर सफलता मिलेगी? क्या बीजेपी के कोई असर नहीं पड़ेगा? बीजेपी का लाल कृष्ण आडवाणी नहीं लड़ेगी तब पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 2014 से 2019 की जो है चुनाव क्या अलग होगी या उसी तरह होगी? कुछ अलग रहेगा, कुछ अलग चुनाव रहेगा। नाम बताइए अपना। डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, वाराणसी लोकसभा। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो प्रियंका गांधी जी शामिल हुई हैं लोकसभा चुनाव में, तो क्या नैया कितना पार लगाएंगी कांग्रेस की? प्रियंका जी पर देखने के लिए भीड़ हो रही है, एक भी वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस। चोर पार्टी से लोग जमानत घूम रहे हैं, इनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा ये बिना लाल कृष्ण आडवाणी जी के चुनाव लड़ रही है बीजेपी, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या 2019 से अलग होगा ये लोकसभा चुनाव 2014 से? 2019 में मोदी सरकार अच्छी सरकार, 2014 में जो चुनाव हुआ था उससे 14 से अधिक सीट मिलेगी, अधिक सीट मिलेगी, कुछ अलग भी होगा? अलग चुनाव होगा, जानकारी मोदी जी के सामने कोई नहीं है नेता, खराब करेंगे कोई नेता नहीं, सब चोर है। जानकारी देने महागठबंधन वाले भ्रष्ट है, महागठबंधन वाले भ्रष्ट है। ठीक है जानकारी, हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है सब जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आजमगढ़ के मिर्जापुर विकास खंड के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राथमिक विद्यालय सुरही में बुजुर्ग और बच्चों को अनेक प्रकार से हैरान और परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि लंच भी नहीं दिया जाता और विद्यालय को तबेला बना दिया गया है और स्कूल में दरवाजा और खिड़की भी नहीं है, जहाँ बच्चों ने बताया कि कोई अधिकारी और कर्मचारी जांच के लिए आते हैं तो बच्चों की शिकायत करने से मना किया जाता है। अगर बच्चे शिकायत कर भी देते हैं तो बाद में प्रधानाध्यापक लालधर चौहान द्वारा बच्चों को मारा पीटा जाता है। बच्चों ने यह भी बताया कि अध्यापक किसी दिन आते हैं और किसी दिन नहीं आते, जब वर्तमान समय में 4 अध्यापक नियुक्त है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जनार्दन चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम सभा सुरही बुजुर्ग में प्राथमिक विद्यालय पर, जहाँ पे विद्यालय है लेकिन विद्यालय में कोई सफाई नहीं है, ना तो यहाँ पे किसी भी क्लासरूम में दरवाजा है, ना तो खिड़की पे दरवाजा, केवल नाम का विद्यालय है, इसको तबेला बना करते हैं। यहाँ तक कि इसमें सफाई भी नहीं की जाती है, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहाँ पे काफ़ी गंदगी फैला रहती है। आइए हम बच्चों से बताते हैं, बच्चों आपको खाना वगैरह मिलता है? आप खाने के लिए खाने नहीं मिलता है दोपहर में? कोई सफाई वफाई नहीं करते हैं लोग? जरा आगे आ जाइए, तो सफाई नहीं करते हैं, और आगे आइए, सफाई नहीं करते हैं लोग? तो यहाँ पे कितने मास्टर हैं? कितने मास्टर हैं यहाँ पे? 4 मास्टर हैं। पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते हैं। तो कितना कोई समय नहीं आने का है? आते हैं कभी 10 बजे आते हैं कभी 9 बजे। कोई समय नहीं है और सफाई वफाई नहीं करते हैं? नहीं। जो कचरा मचा है एक कब से कचरा है? आपका क्या नाम है? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? तो क्या जो यहाँ पे अध्यापक हैं कब आते हैं, कोई समय है आने का? नहीं आते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो गंदगी मची है सफाई नहीं करता कोई? आप लोग से सफाई करते हैं? हम लोग से कहते हैं जाओ झाड़ू लगा। क्या आपको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है? एक दिन बनता है फिर नहीं बनता, एक दिन बनता फिर नहीं बनता। यहाँ
यहाँ पे जो अभी क्लास फोर्थ क्लास का है, कक्षा चार बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें काफी पॉवर वगैरह है। ये पॉवर वगैरह देखिए काफी पॉवर वगैरह बचा हुआ है, काफी कचरा है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसको इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, अध्यापक का भी सहारा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि यहाँ पे सफाई भी नहीं होती है। इसके शायद यहाँ हो जाएगी ना सर, अगर ना तो वो लोग मारते हैं बच्चों को, क्यों क्यों कहा क्या हुआ, कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं, बाहर झाड़ू भी मारने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे संगास वगैरह भी करते हैं? यस। अच्छा, बच्चों कौन सा क्लास है? एक क्लास है, तो इसमें इतना कचरा मचा हुआ है। और यहाँ पढ़ाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? तो लिखा तो कब पढ़ाते हैं? यहाँ पढ़ाई होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती, होती। मास्टर आते ही नहीं है? नहीं। अच्छा, एक किचन है, किचन की दशा बनाए। कभी साफ सफाई होती है? नहीं। तो खाना बनता है कि नहीं बनता है? नहीं। खाना नहीं बनता है? नहीं। और किचन किसी तरह रखते हैं? एक किचन है, किचन का पोला है, ये किचन की दशा बनाया है। आज बच्चों ही बताइए, आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जाती है, क्या सुविधा नहीं मिलती है? बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ हिंदी में समझिए। क्या सुविधा मिलती है आप लोगों को बोलिए? अरे बच्चे यहाँ पर खाने पीने का, उठने बैठने का क्या मिलता है वो समझ पाएंगे? मारते हैं या क्या करते हैं? अधिकारी आ जाएंगे, हम लोग कुछ बोल देते हैं तो सर मारते हैं, हम लोग कुछ भी बताने सामने सामने कैमरे में। अधिकारी आते हैं तो लोग मारते हैं कि सब लोग आपको? यस, हम लोग मारते हैं, कहने भी नहीं देते हैं, शिकायत भी नहीं करने देते हैं। शिकायत करने पर मारने देते हैं? यस। कौन कौन मास्टर मारते हैं, उसका नाम क्या है? कुल मारा लालधर। लालधर क्या है? हेड मास्टर। हेड मास्टर लालधर, ये मारते हैं? हम्म। आप लोग शिकायत करते हैं? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। मैं संजय कुमार गुप्ता, ब्रांड और थाना रिपोर्टर, फास्ट न्यूज इंडिया। मैं समस्त देशवासियों को होली त्यौहार की बधाई देता हूँ। अब बोला सुकर। ग्राम प्रधान अमृत लाल, ग्राम सभा भानपुर, ब्लॉक रामपुर, मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। कृष्णा हेल्थ क्लिनिक श्रीराम सेवापुरी वाराणसी की तरफ से सभी ग्रामवासी तथा क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विद्या हॉस्पिटल कछवा और सब्जी मंडी की तरफ से समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को एवं ग्रामवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ग्राम सभा दाती प्रधान कौशल्या देवी, पत्नी हरक नारायण यादव,
ग्राम संवाददाती के तरफ से फास्ट न्यूज इंडिया के माननीय पत्रकार साहब जी के आगमन पर समस्त भारतवासियों को होली के पावन त्यौहार, प्रदेशवासियों और जिलावासियों और समस्त ग्राम संवाददाती परिवार वासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होली का त्यौहार बड़े प्रेम भाव से, हृदय से मनाएं। इसमें किसी प्रकार का ये त्यौहार ऐसा होता है कि पुरानी किसी प्रकार की दुश्मनी को मेल मिलाप कराता है। इसी उद्देश्य को लेकर के समस्त जनतावासियों, जनता और ग्रामवासी प्रेम पूर्वक होली का त्यौहार मनाएं, यही मेरा शुभकामनाएं देश के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। विप्लव सिंह भारतीय जनता पार्टी से समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करना चाहता हूं। होली तो रंगों का त्यौहार है, साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजयश्री का भी प्रतीक है। तो होली के लिए पूरे प्रदेश के लिए लोगों को, पूरे देश के लोगों को यही शुभकामनाएं अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि नशा, भांग, इन सब चीज़ों से दूर रहें, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन मर्यादा का भी पालन करना उतना ही ज़रूरी है। मर्यादा में रहकर मर्यादित तरीके से होली मनाएं। इस साल होली में एक तरह से रंग में भंग पड़ा हमारे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का असमय दुखद निधन हो गया। इस वजह से शोक संतप्त हूँ। व्यक्तिगत रूप में मैं होली नहीं मना रहा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरे देश के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सारे भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम मन्नालाल यादव है, दुर्गापुर में अपनी चाय की दुकान। समस्त काशीवासियों और भारतवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सत्य प्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। मैं उप निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा, यातायात पुलिस वाराणसी की तरफ से काशीवासियों को हार्दिक होली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सादगी पूर्वक त्यौहार को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सीओ भेलोपुर बनारस वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि होली सभी लोग आपसी भाईचारे से शांतिपूर्ण रूप से, सौहार्दपूर्ण रूप से मनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद पांडे, रिपोर्टिंग इंचार्ज लंका वाराणसी से आप सभी देशवासियों को होली के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। बिहार के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंपिया ग्राम में पंचा पांडे यहां बीती रात चोरों ने द्वारा लाखों संपत्ति समेत सोने की जेवरात घर में घुसकर चुरा लिया गया, जिसमें घर वालों के द्वारा सूचित करने पर पुलिस जांच में पहुंची और मामला का जांच किया, जहां परिजनों द्वारा लिखित आवेदन थाना में दिया गया है। आगे की कार्यवाही थाना प्रभारी अनिल कुमार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार से हमारे संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट। चोरी हुई जी, उस विषय पे आपका क्या कहना है? जी, हमारे गांव में, हमारे घर में मिनिमम 12 बजे रात के बाद हमारे घर में चोर घुसा है और हम लोग के घर का ज्वेलरी, पैसा और मोबाइल ये सब लेके गया हुआ है। चोरी की घटना में तकरीबन कितने की गमन हुई है? मिनिमम 10,000 रुपये से ऊपर और ज्वेलरी जितना लगभग 1,00,000 रुपये की ज्वेलरी है। चोरी की वारदात में कितने लोग थे अनुमानतः? अनुमानतः कम से कम मिनिमम देखे जब नहीं है, लगभग 2-3 आदमी तो होगा, क्योंकि पूरा घर सर्च हुआ है तो आदमी तो जरूर ज्यादा ही होगा। कैसे एहसास हुआ कि आपके घर चोरी हुआ? हमारे घर जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे
तो हम लोग देखे कि हमारा पापा का शॉर्ट सीढ़ी पे पड़ा हुआ है, उसके बाद मामा का मेरा कुर्ता और पेन वो सब गिरा हुआ था, कागज वगैरह हमने देखा। उसके बाद घर को सर्च किया तो देखा कि अलमारी खुला हुआ है तो ज्वेलरी गायब है अलमारी से, उसके बाद मोबाइल हम लोग का गायब है। चोरी की घटना को सूचना आपने पुलिस को दिया? चोरी की घटना जब हम लोग को सुबह मालूम चला तो हमने पुलिस को जानकारी दिया, प्लस 100 नंबर पर हमने कॉल किया, 100 नंबर पर जल्दी कॉल नहीं लगा, 2-3 घंटा के बाद लगा, तो हमने उनको भी जानकारी दिया है। पुलिस की कार्य प्रणाली से आप कितना खुश हैं? जी अभी तो हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे गांव में 3 घटना हुआ है, आज तक उसका कोई सुराग चाहे रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए हम उनके कार्य पर अभी खुश नहीं है। जब तक हमारे घर का हमको क्विक रिएक्शन चाहिए, हमको कुत्ता का मांग चाहिए, कुत्ता है हमारा, सर्च करे कि कहाँ से कैसे हुआ है। पुलिस को लिखित सूचना दिए हुए हैं? जी नहीं दिए नहीं, अभी हम जा रहे हैं देने। पुलिस आई थी? पुलिस आई। अम्बेडकर नगर के रामनगर ब्लॉक के आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान मंडरा मऊ आलापुर में बैठक हुई, जिसमें संपन्न आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के कर्मचारी पदाधिकारी सभी लड़कियां शामिल हुई। बैठक में संस्था के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी ने लोगों को इस संस्था के बारे में अवगत कराया, जहां अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में गरीब निर्धन असहाय लोगों की मदद करने पर जोर दिया तथा संस्था द्वारा महिला उत्पीड़न भ्रूण हत्या दहेज प्रथा समाज की बहन बेटियों को हुनरमंद बनाने को कहा तथा अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। इस संस्था के प्रबंधक मेवालाल अध्यक्ष श्री घनश्याम, उपाध्यक्ष श्री चंद्र बलि मौर्य, रविन्द्र कुमार, सुनील कुमार, अजय राणा, रोहित कुमार सहित हजारों कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल रहे। अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता रमेश मौर्य की रिपोर्ट। पहुंचा हूं अम्बेडकर नगर के रामनगर ब्लॉक के मॉडर्न मोड बाजार में। यहां पर आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान जो कि करीब 1 वर्ष से यहां पे चल रहा है, कुछ लोग यहां पे चला रहे हैं। यहां पर यहां के व्यवस्थापक, इस संस्था के अध्यक्ष और इस संस्था में अध्ययनरत सभी गरीब असहाय निर्धन घर की जो बच्चियां हैं उनको लेके एक बैठक हुई है और इस बैठक में अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बातों से हम आपको अवगत कराते हैं। मिर्जापुर के जनपद में एनडीए भाजपा और अपना दल एस गठबंधन के मंच पर लोकसभा की प्रत्याशी पूर्व सांसद अनुप्रिया पटेल जी को मिर्जापुर से घोषित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीलकंठ तिवारी, विधि राज्य मंत्री एवं राज्य सभा सदस्य सांसद राम सकल, सभा के जनपद के विधायक गणरत्नाकर मिश्रा, रमाशंकर पटेल, राहुल कोल जी विधायक, सुष्मिता मौर्य जिलाध्यक्ष भाजपा, ब्रजभूषण सिंह सभा की अध्यक्षता करते हुए जनता को संबोधित किया। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। 36,000 करोड़ रुपए शपथ ग्रहण के बाद ही किसानों के ऋण मोचन के लिए दिया, जिससे 86,000 किसानों का ऋण मोचन हुआ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं करता। किसानों की एमएसपी बढ़ाई गई, इस पर भी कोई चर्चा नहीं करता। बेरोजगारी की चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि करेगा तो मुंह की खाएगा, कहने के लिए कहीं मजाक में जरूर लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण शौचालय, शहरी शौचालय, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए गए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जाते हैं उसमें इंजीनियर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, हर स्तर का कर्मचारी चाहिए और रोजगार के द्वारा ही, रोजगार सृजन के द्वारा ही वो कार्य किए गए हैं, इस पर भी कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा क्या करता है कि मोदी जी ने अपने को चौकीदार कहा, चर्चा क्या करता है कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये कोई बिंदु है क्या? यह तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री अपने को प्रधान से बच सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपका प्रधानमंत्री आपके गौरव को बढ़ाने के लिए आपके दुश्मन देश के अंदर घुस करके निकालता है। पहले आप बात करते थे भाइयों बहनों, आज चुनाव का परिदृश्य बदला हुआ है और उस बदले हुए परिदृश्य में बस एक भाव रखिए और याद करिए कि आज पूरे विश्व में आपका, अभी आपको मैं एक कहानी के लिए बताता हूँ, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन बनारस में हुआ, कुछ विदेश के प्रतिनिधि करीब 7,000 आए थे हमारे सबसे पास, क्योंकि कार्यक्रम में कहीं कहीं नहीं बात, तो सभी लोगों ने क्या कहा कि भैया जब हम लोग पहले जाते थे
सड़क पर घूमते थे, कहीं किसी से मिलते थे या जिस देश में रहते थे वहाँ के नागरिकों से मिलते थे, वो तो नागरिक भी मुक्त करता था, उसे बाहर नहीं करता। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हीं लोगों ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम विदेशों में, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, हम देश में जब सड़क को बंद करते हैं तो सम्मान से लोग पूछते हैं, हाल चाल लेते हैं। दरियापुर संसदीय क्षेत्र से पुनः भाजपा और अपना दल एनडीए गठबंधन, जिसमें लोकसभा सद प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल को सर्वसम्मत से प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री नीलकंठ तिवारी, उत्तर प्रदेश राज्य विधि मंत्री, माननीय राज्यसभा सदस्य श्री राम सकल जी, जिलाध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी और रमाशंकर पटेल मणिमहन विधानसभा विधायक, सुचित स्मिता मौर्य मजमा विधायक। छोटे छोटे दलित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अरे जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र के प्रति कितना चिंता, निश्चित रूप से हमारे लोग बिना दर्जी ने बताया ढेर सारे काम, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी का हल नहीं जोड़ता। मैं राम हम ये जो काम है वो काम बोलता मित्रों, मैं भी सांसद था, प्राचीन लोग चाहिए तो 15 साल हो गए। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।